टाउनशिप क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा लगातार अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गैर हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन संयंत्र प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें टाउनशिप की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। बीएसपी प्रबंधन द्वारा 21 जून से टाउनशिप की महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए गैर हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत महिलाओं द्वारा गैर हिंदी गीतों की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के दौरान युगल गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिसमें पति पत्नी भाग ले सकेंगे। संयंत्र प्रबंधन की तरफ से संयंत्र में कार्यरत एवं संगीत के क्षेत्र में महारत रखने वाले अधिकारियों को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारियां सौंपी गई है और प्रबंधन द्वारा इसकी पूर्ण व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल द्वारा भी विभिन्न मापदंडों पर इन्हें परख कर निर्णय लिया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 5 कैटेगरी में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता की जानकारी आयोजकों ने मीडिया के समक्ष दी है। आज जो आयोजन आप देख रहे हैं, ये महिलाओं के गैर हिंदी का आयोजन है और ये आज ये प्रथम चक्र का ये प्रतियोगिता है। इन्हीं महिलाओं में 10 जो प्रतिभागी चयनित होंगे, उनका कल शाम को अंतिम चक्र के रूप में फाइनल प्रतियोगिता संपन्न की जाएगी। ये भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित किए जाने वाली अंतर विभागीय संगीत स्पर्धा है, जो 21 जून से आरंभ हुई है, जिसमें आज हम महिलाओं की गैर हिंदी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। कल जो हमारी प्रतियोगिता होगी वो युगल गायन की होगी, जिसमें पति और पत्नी भाग ले सकेंगे। और अभी तक जितनी प्रतियोगिताएं हुई हैं, समस्त प्रतियोगिताओं का फाइनल कल दोपहर में 3 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष हिंदी, पुरुष गैर हिंदी, महिला हिंदी, महिला गैर हिंदी और युगल गायन, कुल मिला के 5 कैटेगरी की प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की हैं, जिनका सबका फाइनल कल दोपहर में 3 बजे से कला मंदिर में आयोजित किया जाएगा और शाम 7 बजे इसका पुरस्कार वितरण आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे प्लांट के सभी विभागीय कर्मी और उनकी पत्नी हिस्सा ले सकते हैं, इसका ये नियम है। गौरतलब है कि भिलाई शहर की महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया हुआ है और इसमें सर्वाधिक सहयोग भिलाई इस्पात संयंत्र का भी होता है। एक बार फिर संयंत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए गैर हिंदी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिससे महिलाएं अपने भीतर छिपी संगीत की प्रतिभा को बाहर प्रदर्शित कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।